Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna टेक्नोविज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F15 5G इन द हाउस। सैमसंग की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज कम प्राइस पर काफ़ी सारा मसाला यहां पर देती है, और इस बार तो फर्स्ट वाले बहुत सारे फीचर्स है इस फोन में, जिसके बारे में आज आपको डिटेल में बताएंगे। अब बॉक्स देखेंगे, इस तरीके का है, पतला दुबला सा एज ऑलवेज। बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, फोन मिलता है टाइप सी केबल और सिम इजेक्टर पिन, बस। अब आते हैं फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं, एक ग्रीन, जैजी ग्रीन जो हमारे पास यहाँ पर है, जो बहुत ही कूल लग रहा है। और डिजाइन अगर आप देखोगे तो काफी मिनिमलिस्टिक है, इनके जो फ्लैगशिप सीरीज पर गौर करते हैं सैमसंग के एस सीरीज, कुछ वैसे यहाँ पर मिलता जुलता है। तो प्राइस के हिसाब से जो डिजाइन है वो बहुत ही क्लीन, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। उसके साथ आपको वायलेट और ब्लैक दो और कलर्स जो वो देखने को मिलते हैं, वायलेट वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी उसी के अलावा दोस्तों, नीचे आपको टाइप सी पोर्ट है, माइक है 3.5 mm जैक है, सिंगल स्पीकर है इसमें, डुअल नहीं है। ऊपर एक और माइक है तो डुअल माइक मिलता है। लेफ्ट में सिम ट्रे है, हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। राइट में पावर बटन, उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, हैप्टिक्स बहुत अच्छा है। अलग अलग सिनेरियोस में मैंने चेक किया, जब अनलॉक करते हैं नहीं करते, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब नहीं करते मतलब गलत फिंगर लगा दिया तो वो उसका हैप्टिक देता है। तो ये सारे चीजों में ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+। बहुत ही अच्छा काम किया सैमसंग ने कि इसमें इस चिपसेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये 6nm पर है, 5G चिपसेट है, लेटेस्ट है, और एंटीटू स्कोर्स इसके बहुत अच्छे हैं। प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे, क्योंकि एक अंडर 13,000 कैटेगरी का फोन है, 3,50,000 से ज्यादा, 3.5 लाख से ज्यादा इसका एंटीटू स्कोर्स आए थे। और साथ ही साथ कॉर्टेक्स A76 वाले कोर्स है, और माली G57 आपको इसमें GPU मिलता है। LPDDR4X, UFS 2.2, ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट स्पीड, हमने कॉपी पेस्ट भी करके देखा, सब कुछ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चलता है, कोई लैग स्टटर नहीं है। इनफैक्ट गेमिंग भी आप इसमें हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेल सकते हैं, BGMI हाई पर चलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी हाई पर चलता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे लाइफ के साथ साथ अगर आपको गेमिंग भी करना है तो चिपसेट है डायमेंसिटी 6100+, ये सब कुछ झेल सकती है। डिस्प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको यहाँ पर फुल HD प्लस का एक वाटर ड्रॉप स्टाइल डिस्प्ले मिलता है, यू शेप नॉच है, लेकिन ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और साथ ही साथ आपको 90Hz की हाईर रिफ्रेश रेट मिलती है। सेगमेंट में ये पहला ऐसा फोन है जो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90Hz की हाईर रिफ्रेश रेट दी है। ये मुझे अच्छा लगा इस बार कि सैमसंग ने IPS को छोड़कर सुपर एमोलेड डिस्प्ले को चूज किया है, और साथ ही साथ डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो 800 nits की है। तो यहाँ पर आउटडोर की विजिबिलिटी इसकी बहुत इंप्रेसिव थी। इनडोर में तो बहुत ही ब्राइट पैनल है, सैमसंग के फोन्स में जो पैनल होते हैं वो अच्छे होते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है। आउटडोर की विजिबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। इसमें आपको एक अलग से आई कैरी फीचर दिया है, मतलब आई कंफर्ट शील्ड है, अगर आप क्विक पैनल में चेक करोगे तो आपको अगर नाइट में यूज करते हो तो वो सारे थोड़े आंखों को बचाने के फीचर्स जो रहते हैं फोन्स में वो इसमें भी आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों यूज डिस्प्ले है, कोई इशू नहीं है 6.5 इंच का, जो भी अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, कंटेंट वगैरह देखना है, गेम्स वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा पैनल इस्तेमाल किया है। सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा पार्ट है इस फोन में, आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 14 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, One UI 6.1 पर बेस्ड है। तो सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया, एंड्रॉयड 13 देकर ये नहीं बताया कि आपको इसमें लॉन्गर अपडेट्स मिलेंगे, सीधे एंड्रॉयड 14 दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सेगमेंट में ये पहला ऐसा स्मार्टफोन ने जो 4 साल के ईयरली OS अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस, सैमसंग ये कर दिखाता है अंडर 13,000। इमेजिन दोस्तों, 4 साल के ईयरली OS अपडेट्स, 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस, बन जाता है उस मामले में एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। जी हाँ, बाकी सॉफ्टवेयर पूरा One UI एक्सपीरियंस है, सैमसंग का नॉक्स वॉल्ट वगैरह आपको मिलता है, सैमसंग वॉलेट के तमाम फीचर्स है। इसमें NFC नहीं है तो वॉलेट में NFC वाले कुछ फंक्शंस आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। बाकी क्विक शेयर है, फाइल को अगर आपको शेयर करनी क्विकली वो कर सकते हैं। स्मार्ट हॉटस्पॉट यहाँ पर है, बेसिकली आपने हॉटस्पॉट से अगर किसी को अपना हॉटस्पॉट दिया है तो इसमें आपको कितना डेटा आपने यूज़ हुआ है, सामने वाले ने कितना यूज़ किया है, वन टाइम पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है तो वो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मैंने देखा था, Spotify, ये सारी चीज़ें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी एड्स वैड्स ब्लोटवेयर्स के कोई लफड़े नहीं है। ओवरऑल सैमसंग One UI 6.1 है तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बेस्ट रहेगा। अच्छा, दो और चीज़ बतानी है सॉफ्टवेयर में। एक तो आपको ऑब्वियसली इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, बाय डिफॉल्ट सैमसंग का मिलता है, और साथ ही साथ आपको वॉइस फोकस मिलता है, जो हमने सैमसंग की A सीरीज में देखा था, मिड रेंज और अपर मिड रेंज में, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। कॉलिंग के टाइम आपको सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल को पुल डाउन करना है एकदम से, और ऊपर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको दो मोड मिलते हैं, स्टैंडर्ड और वॉइस फोकस। मैं आपको बताता हूँ कि वॉइस फोकस एग्जैक्टली
कैसे काम करता है? नहीं, एक्चुअली कुछ किया नहीं है, मैंने एक फोन लिया था सैमसंग का, उसके अंदर वॉइस फोकस का वो था, तो मैं चेक कर रहा था कि तुमने बोले इसके लिए। पूरी बैकग्राउंड की वॉइस को निकाल देगा, जी हाँ। और इस तरीके से अगर आप कहीं ट्रैफिक वफ़ में फंसे हुए, तो एग्जांपल तो आपने खुद देख लिया कि कितने अच्छे से इस बजट फोन में वो काम करता है। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जो मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं आप वो फुल एचडी 30 fps पे, आपको एलईडी फ्लैश वगैरह भी दिया है। और 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहाँ पर भी मैक्स फुल एचडी 30 fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। 120 fps पे आपको स्लो मोशन वीडियोस मिलते हैं, बहुत ही शार्प और क्लीन स्लो मोशन वीडियोस यहाँ पर निकल कर आए, क्वालिटी अच्छी है। और ओवरऑल अगर मैं कैमरे के सैंपल्स आपको दिखाऊँ तो बहुत ही अच्छे फोटोज निकल कर आते हैं। डायनामिक रेंज पर सैमसंग ने बहुत काम किया, इनका पोस्ट प्रोसेसिंग चाहे वो प्रीमियम फोन हो या बजट हो, वो दिख दिख के आ जाता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सैमसंग का पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप सेल्फी पे गौर करते हैं तो डायनामिक रेंज देखते हैं, बैकग्राउंड में जो उन्होंने कैप्चर किया है डिटेल्स, वो भी बहुत अच्छी निकल कर आई है। तो ओवरऑल काफ़ी शार्प सेल्फीज आपको यहाँ पर मिलती है। सेम गोज फॉर वीडियोस, अगर आप वीडियो में भी क्वालिटी देखते हैं, स्काई पर गौर करते हैं, जो डायनामिक रेंज है वो प्रॉपर मेंटेन किया है। और सेल्फी वीडियो जो अक्सर मैंने फोन देखा हो बजट में मार खा जाते हैं, पूरा वाइट हो जाता है बैकग्राउंड, सैचुरेशन कंट्रोल्ड ही नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से वीडियो कैप्चर किया है, बैकग्राउंड की डिटेलिंग भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। तो ऑब्वियसली सैमसंग के फोन्स जो रहते हैं उनके कैमरा बहुत अच्छा होता है। और अगर आप मुझसे बजट में पूछते हैं कि रूएस भाई एक 12-13 हज़ार का फोन बताइए जिसमें कैमरा अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली पहला रिकमेंडेशन आपको मैं इस फोन का दूंगा। बाकी सारे डे के नाइट के सैंपल्स हमने गूगल ड्राइव पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप खुद जाकर अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। बैटरी की बात करते हैं, फर्स्ट इन सेगमेंट ऑलरेडी हमने सैमसंग के प्रीवियस जनरेशन में देखा है, वो आपको इसमें रिटेन किया है। 6000 mAh की बैटरी उन्होंने कम नहीं किया है, वही सेम कैपेसिटी दी है। और मैक्स 25W की आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चार्जर जैसे कि मैंने बताया वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। और 25W से अगर आप 6000 mAh बैटरी को चार्ज करने लगेंगे तो वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में फुल चार्ज हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करें तो 6000 है तो बनता ही है, हमने लगभग 7 से 8 घंटे कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक का यहां पर टेस्टिंग किया, और ये दोस्तों 99% से 61% पर आया, यानी कि बैटरी बहुत कम ड्रेन हुई, कंटिन्यूस 7 से 8 घंटा हमने इसमें वीडियो प्लेबैक किया। नॉर्मल यूज पर इससे ये पता चलता है कि 1.5 दिन तक आपको आराम से बैकअप मिलेगा, आप चाहे इसमें वीडियोस देखो, ब्राउज करो, आपको सीरीज देखनी है नेटफ्लिक्स पे, गेम्स खेलने, ये बैकअप आपको बहुत ही कमाल का देने वाला है। तो बैटरी के जो आपको यहाँ पर कैपेसिटी मिलती है वो ह्यूज है, और पूरा जो इसका बैकअप मिलेगा वो कमाल का मिलने वाला है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो डुअल सिम 5G आपको मिलता है, 5G के बैंड्स मल्टीपल है, और साथ ही साथ हमने दोनों सिम में चेक किया 5G चलता है। इसमें कॉल क्वालिटी और डाउनलोड स्पीड भी 5G की प्रॉपर थी, कोई ड्रॉप्स के इश्यूज नहीं थे। वाइडबैंड L1 आपको यहाँ पर मिलता है, तो नेटफ्लिक्स अमेजोन आप फुल HD में यहाँ पर स्ट्रीम कर सकते हैं। साथ में आपको 2.4 और 5 GHz दोनों का वाईफाई का सपोर्ट है, 5 GHz बैंड भी यहाँ पर वाईफाई में आपको मिलता है, और प्लस आपको कैमरा टू API देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया है। यहाँ पर सब कुछ लेटेस्ट है, और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, तो आपको दो वेरिएंट्स यहाँ पर है, 4GB RAM 128GB स्टोरेज और 6GB RAM 128GB स्टोरेज। जहाँ तक मुझे पता चला है इसकी जो प्राइस होगी वो अंडर 13,000 होगी, मे बी शायद सैमसंग कुछ ऑफर्स दे या ना दे, वो जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में सारे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या ये फ़ोन परचेज करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली येस, क्योंकि रीज़न ये है कि आपको इसमें 4 साल के अपडेट्स मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है कि कोई ब्रांड आपको इतनी लॉन्गर अपडेट्स दे रही है, बजट में अक्सर 1 साल का मिलता है मुश्किल से, या 2 साल अगर किसी ने दिया, और 3 साल तो बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े अपडेट्स आपको मिलते हैं। आपको बड़ी बैटरी कैपेसिटी है, यूज बैकअप आपको यहाँ पर मिलेगा, कैमरा बहुत इंप्रेसिव है। अच्छी बात है कि इस बार उन्होंने AMOLED डिस्प्ले, हाँ वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, बट AMOLED डिस्प्ले और 90Hz की हाई रिफ्रेश रेट, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर UI 6 का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी सारे फीचर्स दिए हैं, वॉइस फोकस वगैरह ये सब कुछ है, डिज़ाइन भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। ओवरऑल दोस्तों सैमसंग ब्रांड वैल्यू आफ्टर सेल सर्विस के मामले में अगर आप मुझसे पूछते हैं अंडर 13,000 एक अच्छा स्मार्टफोन बताइए 5G, तो मैं आपको आप लेटेस्ट लॉन्च है तो सबसे पहले यही फोन रेकमेंड करूंगा। बहुत सारी टेस्टिंग इसमें करनी बाकी है दोस्तों, फुल रिव्यू करेंगे, फिर डिटेल में आपको बताएंगे कि कितना ये फोन ने हमारा साथ दिया और क्या क्या चीजें निकल कर आई है, उसके लिए आप बने रहना, ये तो सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन था। एक और चीज आपको बतानी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वैसे जो एक्चुअल इनका ट्रेवल अडेप्टर जो चार्जर होता है वो आपको 1699 का मिलता है, लेकिन 4 मार्च को जो सेल स्टार्ट होगा, अर्ली सेल की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको सिर्फ 299 में मिलेगा, जी हाँ सिर्फ 300 रुपए में। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, इसको आज से मत जाने दें। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स मिलेगी, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।